हे गाइस, तो सैमसंग की वन यूआई 7 का पब्लिक बीटा इंडिया के अलावा और भी 5 अलग अलग कंट्री के सर्वर के अंदर स्पॉट हो चुका है। मतलब कि वन यूआई 7 का पब्लिक बीटा हमें बहुत ही जल्द देखने को मिल जाएगा। एंड सैमसंग ने यह चीज़ ऑलरेडी कंफर्म कर चुका है एचडीसी 2024 की डेवलपर कॉन्फ्रेंस के अंदर कि इस साल यानी कि 2024 में नहीं, 2025 की फर्स्ट क्वार्टर में सैमसंग की तरफ से हमें वन यूआई 7 का स्टेबल वर्जन का अपडेट देखने को मिल जाएगा जो भी सैमसंग की एलिजिबल स्मार्टफोन्स है। तो इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे कि बीटा वर्जन क्या होता है, स्टेबल वर्जन क्या होता है एंड अब तक वन यूआई 7 की रिगार्डिंग जो भी लीक्स र्यूमर्स आए हैं उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। क्या कुछ नए नए फीचर्स होगा एंड क्या कुछ फोन्स में सैमसंग की तरफ से हमें देखने को मिलेगा। तो वन यूआई 7 की रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन है आपको इसी वीडियो के अंदर देखने को मिल जाएगा। नाउ तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये स्टेबल वर्जन क्या होता है, बीटा वर्जन क्या होता है। तो जो भी सॉफ्टवेयर्स है इंक्लूडिंग, चाहे आप किसी भी मोबाइल ब्रांड का ले लो, इंक्लूडिंग विंडोज़ के अंदर ले लो या फिर मैक के अंदर ले लो, सभी के अंदर ये चीज़ लागू है। तो मेनली सॉफ्टवेयर के अंदर 3 तरीके का वर्जन होता है, इसके अलावा और भी होता है बट मेनली यहाँ पे 3 टाइप का होता है। सबसे पहला तो एक क्लोज्ड बीटा हो गया जो आपस में उसी कंपनी के जो सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट पे जो लोग काम करते हैं सिर्फ उसी के पास इसका एक्सेस होता है। एंड इससे पहले आपने अक्सर सुना होगा, इनफैक्ट मैंने भी वीडियो बना के बताया था कि सैमसंग की इस फोन के अंदर वन यूआई 7 का बीटा स्पॉट हो चुका है जो कि उसी से होता है। एंड वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें होता है कि क्या इसे पब्लिक के लिए रिलीज़ करना सेफ होगा नहीं होगा, उसके अंदर क्या कुछ नए फीचर्स हम ऐड कर सकते हैं, क्या कुछ कम कर सकते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में बातचीत चलता रहता है। एंड जब वहाँ पे एक बार डिसाइड हो गया कि हाँ चलो सब कुछ चीज़ें ठीक है, तब वो लोग रिलीज़ करते हैं पब्लिकली, मतलब कि पब्लिक बीटा वर्जन। अब पब्लिक बीटा हर कोई इसे एक्सेस नहीं कर सकता, इसके लिए तो आपको सबसे पहले अप्लाई करना होगा। एंड अगर आप एलिजिबल हो, अगर आपका स्मार्टफोन एलिजिबल है, तभी आपको पब्लिक बीटा का अपडेट अपने फ़ोन में देखने को मिल जाएगा। एंड रिसेंटली जो ये सर्वर के अंदर स्पॉट हो चुका है ये सिर्फ अभी S24 सीरीज़ के लिए ही हुआ है। एंड जब भी सैमसंग या फिर कोई भी कंपनी नए पब्लिक बीटा रिलीज़ करता है वो हमेशा से ही उसका जो लेटेस्ट स्मार्टफोन रहता है बस उसी के अंदर सपोर्ट देता है। एंड देन धीरे धीरे उस ब्रांड का जो भी पॉपुलर स्मार्टफोन होगा उसको ये पब्लिकली एक्सेस देगा। तो ये जो पब्लिक बीटा का अपडेट है ये हम आप जैसे नॉर्मल लोगों के लिए नहीं है, मतलब कि है अगर आप चाहो तो आप अप्लाई कर सकते हो, अगर आप एलिजिबल हुए, अगर आपका स्मार्टफोन एलिजिबल हुआ तभी आपको अपडेट मिलेगा। बट अगर आपके पास एक ही स्मार्टफोन है, मतलब कि सपोज़ अगर आपके पास S24 है, तो ये बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं है कि आप उस फ़ोन के अंदर जो आपका मेन प्राइमरी स्मार्टफोन है उसके अंदर आप बीटा वर्जन को एक्सेस करो, बीटा वर्जन का अपडेट आप उसमें लो, क्योंकि काफ़ी बार प्रॉब्लम्स कुछ रहता है एंड जिसके कारण पूरा फ़ोन को फॉर्मेट करना पड़ सकता है। तो अगर आपका फ़ोन प्राइमरी डिवाइस है उसके अंदर आपकी बहुत सारे डेटा वगैरह है एंड अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम हुआ आपको फॉर्मेट करना पड़ा तब आपका सारा डेटा लॉस हो सकता है। तो इसके लिए पब्लिक बीटा एक्सेस करना थोड़ा सा प्रॉब्लम है, बट अगर आपके पास 2-3 स्मार्टफोन है देन आप अप्लाई कर सकते हो एंड अगर आप एलिजिबल हुए तो आपको अपडेट देखने को मिल जाएगा सैमसंग की तरफ से। तो जो भी लोग बीटा के लिए साइन अप करते हैं उसको एटलीस्ट ये मालूम होता है कि बीटा क्या है, स्टेबल क्या है एंड वो क्या कर रहे हैं, मतलब कि थोड़ा सा टेक के बारे में उसको नॉलेज होता है। अब जो भी यूजर्स बीटा वर्जन को एक्सेस करते हैं वो लोग खुद डायरेक्टली सैमसंग को बताते हैं कि इस पर्टिकुलर अपडेट के अंदर ये प्रॉब्लम है, ये फीचर ख़राब है, ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर नहीं है एंड सैमसंग उस चीज़ को देखता है। अब आप सोचोगे कि ये सैमसंग के साथ डायरेक्टली किस तरह से, तो सैमसंग मेंबर जो कम्युनिटी है उस ऐप के थ्रू सैमसंग को यूज़र सपोर्ट करता है। सपोज़ एक ऐसा फीचर आया वन यूआई 7 की बीटा अपडेट में जो फीचर एकदम ख़राब है, कोई सेंस नहीं बनता उस फीचर के बारे में एंड बहुत सारे लोग जब सैमसंग को इस चीज़ के बारे में रिपोर्ट करेंगे तब हो सकता है सैमसंग जब स्टेबल अपडेट रिलीज़ करे तब वो इस फीचर को निकाल दे। और कई बार आप लोग सुनते हो ना कि वन यूआई 7 के अंदर ये फीचर्स होगा, वो सारे लीक होता है इसी पब्लिक और क्लोज्ड बीटा से ही। तो इस सैमसंग की वन यूआई 7 का जो पब्लिक बीटा है वो इंडिया के अलावा US, UK, पोलैंड, जर्मनी, कोरिया के अंदर स्पॉट हो चुका है, मतलब कि उसके सर्वर्स के अंदर। बट एक कंट्री का नाम इस लिस्ट के अंदर नहीं है, चाइना। जब सैमसंग पहली बार वन यूआई 1 से निकालता रहा है
पब्लिक बीटा, तब 7 कंट्री के अंदर ये निकलता है, मतलब कि जो भी नाम मैंने आपको बताया 5 नाम इंडिया और चाइना, बट इस बार OneUI 7 से चाइना का नाम नहीं है, बट हो सकता है कि चाइना को भी अपडेट देखने को मिल जाए कुछ दिन के बाद। और सैमसंग OneUI 7 से एक और बड़ा चेंज किया, मतलब कि जब से OneUI 3 का अपडेट आया है उसके बाद से हर साल सैमसंग उस साल का जो एंड क्वार्टर है उसी के अंदर उसका स्टेबल वर्जन का अपडेट रिलीज कर देता था। इनफैक्ट आपने OneUI 6 के अंदर भी देखा होगा कि अक्टूबर से ही सैमसंग अपना स्टेबल अपडेट रिलीज कर देता है जो भी फ्लैगशिप स्मार्टफोन है, इसके बाद धीरे धीरे करके बाकी सारे स्मार्टफोन्स के अंदर। बट इस साल अब नवंबर का महीना स्टार्ट हो चुका है, लगभग आधा हो गया, एंड स्टिल OneUI 7 का पब्लिक बीटा रिलीज नहीं हुआ। एंड सैमसंग ने यह चीज़ ऑफिशियली अनाउंस करके कहा है कि OneUI 7 के अंदर हम कुछ बड़ा करने जा रहे हैं जिसके कारण टाइम लग रहा है, एंड जब सैमसंग गैलेक्सी का नेक्स्ट सीरीज आएगा, ऑब्वियस सी बात है S25 सीरीज की ही बात कर रहे हैं वो लोग, तो उसी टाइम OneUI 7 का स्टेबल अपडेट्स भी हमें उसी के साथ देखने को मिलेगा जो Android 15 बेस्ड होगा। नाउ अब बात करते हैं OneUI 7 की फीचर्स के बारे में, मतलब अब तक जो भी चीज़ लीक हुआ है। तो सबसे पहले स्मूथ आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, एंड बहुत सारे कस्टमाइजेशंस एंड एनिमेशंस इस बार सैमसंग ऐड कर रहा है OneUI 7 के साथ, तो स्मूथ और नॉन लाइनर एनिमेशंस ऐड होगा। AR इमोजी का नया नाम जो सेटिंग्स में इंटीग्रेट होगा। AR डूडल डेकोपिक्स जैसे फीचर्स अब ऐप के फॉर्म में देखने को मिलेगा। क्विक टॉगल और नोटिफिकेशन का लेआउट एरिया अब कस्टमाइजेबल होगा, एंड बहुत सारे सैमसंग की जो प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन है उसके अंदर भी चेंजेस होगा, इंक्लूडिंग आइकॉन्स के अंदर भी हमें चेंजेस देखने को मिलेगा। अब ये चीज बहुत सारे लोग काफी टाइम से डिमांड कर रहे हैं कि एप्पल की आई क्लाउड की तरह सैमसंग भी अपना एक ऐसा क्लाउड लॉन्च कर सकता है। वैसे सैमसंग का क्लाउड है बट वो उतना ज्यादा पॉपुलर नहीं है, एंड बहुत कुछ चीज़ें मिसिंग है। तो OneUI 7 के साथ हमें सैमसंग का नए टाइप का क्लाउड सिस्टम देखने को मिलेगा, एंड सैमसंग का स्मार्टफोन अगर आप इस्तेमाल करते हो तो आपको मालूम ही होगा कि सिक्योरिटी फीचर्स काफ़ी सारे हैं, एंड काफ़ी सारे सिक्योरिटी ऑप्शंस भी सैमसंग हर बार देते हैं, चाहे वो कोई भी नॉर्मल UI का अपडेट हो गया या फिर जो भी आजकल सिक्योरिटी अपडेट्स है उसके अंदर भी सैमसंग कई बार नए नए सॉफ्टवेयर मतलब कि फीचर्स को ऐड करते हैं सॉफ्टवेयर अपडेट्स के साथ, एंड जो 0.1 वाला वर्जन है उसके साथ भी। तो सैमसंग की 7.0 के साथ हमें और भी नए नए सिक्योरिटी रिलेटेड फीचर्स मिलेगा और भी बहुत सारे ऑप्शंस भी यूजर्स के हाथ में होगा। एंड फीचर्स से याद आया सैमसंग का जो गुड लॉक है ये बहुत सारे स्मार्टफोन्स में इनफैक्ट बहुत सारे अलग अलग रीजन में अवेलेबल नहीं है, तो इसे सैमसंग एक्सपैंड कर सकता है। अब OneUI 7 में जो सबसे बड़ा एंड मेजर चेंजेस होगा वो सैमसंग की गैलेक्सी AI रिलेटेड होगा। बहुत सारे नए नए फीचर्स होगा जो सैमसंग ऐड कर रहा है सैमसंग गैलेक्सी के अंदर, एंड सिर्फ अभी तो जो OneUI 6 के अंदर हमने देखा था OneUI 6.1 के अंदर वो जस्ट एक छोटा सा ट्रेलर था, अभी तो पिक्चर OneUI 7 के अंदर होगा। एंड ऐसा भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि सैमसंग की जो बजट सेगमेंट की स्मार्टफोन्स है उसके अंदर भी कुछ कुछ AI फीचर सैमसंग इंटीग्रेट कर रहा है OneUI 7 में। और एलिजिबल डिवाइसेस की बात करूँ तो ये रहा यहाँ पर लिस्ट, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हो, एंड साथ ही अभी आप कौन से सैमसंग का स्मार्टफोन इस्तेमाल कर रहे हो एंड सैमसंग की किस फीचर के लिए आप सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हो कमेंट्स में ज़रूर बताना।